80 के दशक में संगम नगरी इलाहाबाद में एक दिन अचानक गोलियों की गूंज सुनाई देने लगती है। सभी का एक ही सवाल था कि आखिर ये क्या हो रहा है। लोगों को पता चलता है कि एक आपराधिक गतिविधि को अंजाम दिया गया है और इस घटना में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और जब इस हत्या की सच्चाई की तह तक पहुँचने की कोशिश की जाती है तो इस घटना के मास्टर माइंड का नाम सामने आता है और वो मास्टर माइंड कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर अतीक अहमद था। अतीक के खिलाफ कुल 110 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे जबकि उसके भाई अशरफ के खिलाफ 55 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और इन्हीं मुकदमों के चलते कोर्ट ने 28 मार्च को अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पर 15 अप्रैल की रात उसे मेडिकल के लिए ले जाते समय कुछ अज्ञात लोगों ने अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी। पर आखिर कौन थे ये लोग जिन्होंने अतीक और उसके भाई की गोली मारकर हत्या की और इससे पहले आखिर कैसे एक गरीब रिक्शे वाले का बेटा क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, आइए मिलकर जानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अतीक के अपराधों की शुरुआत होती है इलाहाबाद के एक मोहल्ले से, जहां अतीक पहलवान नाम का एक शख्स पहुंचता है चांद बाबा के पास। वो चांद बाबा जो कि उस इलाके का नामी गुंडा था। अतीक का बचपन से ही सपना था कि उसका खौफ हर जगह हो और चांद बाबा का इलाहाबाद के उस मोहल्ले में सिक्का चलता था और वो उस समय महज 17 साल का ही था जब उस पर हत्या करने का मुकदमा लगा। लेकिन ये सब उसके हौसलों को पस्त नहीं कर रहा था बल्कि बुलंद कर रहा था और अतीक अब धीरे धीरे पूरे यूपी में अपना राज कायम करने के सपने देखने लगा था। पूरे यूपी में गुनाह का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था और इसी बीच 1985 में उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की नई सरकार बनी। इनकी सरकार का पहला मकसद कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना था, यानी किसी भी तरह से क्राइम के तेजी से बढ़ते हुए ग्राफ को कम किया जाए। साल 1986 में यूपी में पहला गैंगस्टर एक्ट लागू किया गया और इस एक्ट का पहला मुकदमा अतीक अहमद के ऊपर लगता है और इसीलिए अतीक को यूपी का पहला गैंगस्टर कहा जाता है। धीरे धीरे करके अतीक क्राइम की दुनिया का वो नाम बन चुका था जिसके पास 120 से भी ज़्यादा शूटर्स थे। अब अतीक का नाम इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसने अपने कदम पॉलिटिक्स की ओर बढ़ाए। 1979 आते आते उसके संबंध कई बड़े बड़े नेताओं से हो चुके थे। अपनी इस सियासी हसरत को पूरा करने वो पहले 1991 में और फिर 1993 में निर्दलीय चुनाव लड़ता है और जीत भी हासिल करता है। दोस्तों, बाहुबलियों की पॉलिटिक्स में अपने साथ जोड़ने की परंपरा भी काफ़ी पुरानी है, यही यहाँ पर भी हुआ। साल 1996 में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने साथ अतीक को भी साइकिल पर सवार कर लिया और अतीक समाजवादी पार्टी का विधायक बन गया। अब अतीक के हाथों में बाहुबली और सत्ता दोनों ही थी और इसी के सपने वो बचपन से देखता था और अब वक्त आ चुका था अपने सारे शौक पूरे करने का। जब भी उसका काफिला निकलता तो महंगी गाड़ियां उसके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के नाम पर अब अरबों की जमीन थी। लेकिन साल 2004 में अतीक ने राजनीति में एक नई राह चुनी और अब उसने विधायक से बढ़कर सांसद बनने की राह चुन ली, जिसके बाद साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट दिया और अतीक ने इस पर जीत भी दर्ज की। प्रयागराज के माफिया ने अब सांसद तक का सफर पूरा कर लिया था। 2004 में जब अतीक ने फूलपुर सीट से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उसके इलाहाबाद की विधायक की सीट खाली हो गई थी और इसीलिए अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहाँ से चुनाव लड़वाया और इसी चुनाव में भाजपा से राजू पाल को भी टिकट मिल गया और वो अशरफ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए। चुनाव हुआ तो उन्होंने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया और विधायक बन गए। अतीक और उसका पूरा परिवार इस उपचुनाव से मिली हार को पचा नहीं पा रहे थे। चुनाव में मिली हार से वो राजू पाल को अपना दुश्मन बना बैठा था और इसी दौरान अतीक ने राजू को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 25 जनवरी 2005 को भाजपा विधायक राजू पाल जब अपने घर लौट रहे थे उस समय राजू पाल अपनी कार खुद चला रहे थे। उनके साथ उनके समर्थकों की एक स्कॉर्पियो भी थी। तब भी कुछ कार सवार हमलावर उनका पीछा करने लगे। इसी बीच राजू पाल ने किसी वजह से रास्ते में अपनी कार रोकी। जैसे ही उनकी कार थमी तो कुछ हथियारबंद लोग उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करते हैं और फिर जब उन्हें ऑटो में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो हमलावरों ने करीब 5 किलोमीटर तक ऑटो का पीछा करके उस पर गोली चलाई ताकि राजू बच ना जाए। इस हत्याकांड में देवीलाल पाल और संदीप यादव की भी मौत हुई। केस में तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे जबकि 4 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस केस में आई विटनेस उमेश पाल था जो राजू पाल का रिश्तेदार भी था। इसी के कारण उमेश का 28 फरवरी 2006 को अपहरण कर लिया गया।
अपहरण हुआ तो जाहिर सी बात है कि इसका आरोप लगा अतीक अहमद पर। उमेश पाल ने जो कंप्लेंट लेटर दर्ज करवाया था उसके मुताबिक अतीक ने उस पर बयान बदलने पर दबाव डाला था, लेकिन ऐसा नहीं करने पर उसका अपहरण कर लिया गया। उमेश पाल ने बताया कि उसे किडनैप करके अतीक के पास ले जाया गया, जहां बयान नहीं बदलने पर उमेश पाल को उसके परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई थी। और उमेश के मुताबिक अतीक के वकील ने उसे एक पेपर दिया था जिसमें बयान लिखा था जो उमेश को जबरदस्ती कोर्ट में बोलने के लिए कहा गया था। ऐसे में तब तो परिवार की सलामती के लिए उमेश ने अदालत में बयान दे दिया, जिससे अतीक पर कोई आँच नहीं आई। लेकिन 5 जुलाई 2007 को उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में एक FIR दर्ज कराई और ये FIR उमेश पाल के अपहरण की थी। इसमें सबसे बड़ा आरोपी था अतीक और यहीं से अतीक अहमद की बर्बादी शुरू हो गई और अतीक अहमद पर ये मुकदमा चलने लगा। अपहरण के इसी मामले पर कोर्ट में बहस के लिए इसी 24 फरवरी को उमेश पाल कोर्ट गया था। कोर्ट के कार्यवाही खत्म होने के बाद उमेश पाल घर वापस आ ही रहा था कि तभी कुछ बदमाशों ने गाड़ी से उतरते ही गोली मारकर उमेश पाल की हत्या कर दी। ये घटना उमेश पाल के घर के ठीक सामने हुई थी। इसमें उमेश पाल की सुरक्षा में शामिल दो पुलिस वालों की भी मौत हो गई। इस हत्याकांड का आरोपी भी अतीक अहमद को ही बताया गया और प्रयागराज हाई कोर्ट ने इसी केस में अतीक को दोषी करार दिया था और अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अतीक अहमद के 45 साल के सियासी सफर में ऐसा पहली बार हुआ है जब उसे सजा मिली हो। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक की अरबों की संपत्ति पर बुलडोजर भी जल चुका था और करोड़ों की संपत्ति भी जब्त हो चुकी थी, जिसके बाद 28 मार्च को प्रयागराज हाई कोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सजा के लिए उसे गुजरात के साबरमती जेल में लाया गया था, जिसके बाद ही हाई कोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आपको बता दें कि उसे बरेली की जेल में रखा गया था और उसके बेटे के एनकाउंटर के बाद यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स अतीक और उसके भाई अशरफ को पूछताछ के लिए प्रयागराज के धूमनगंज थाने में लेकर आई थी। यहीं से यूपी पुलिस अतीक और उसके भाई को मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी कि तभी तीन लोग मीडिया के भेस में आए और अतीक और उसके भाई अशरफ के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी और अतीक के भाई अशरफ के सर पर गोली लगने से उसकी तुरंत ही मौत हो गई, जबकि अतीक कुछ देर तक तड़पता रहा था। तीनों लड़कों ने जैसे ही अतीक और उसके भाई को गोली मारी, तुरंत ही उसके बाद उन तीनों ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस उन तीनों को अपने साथ ले गई। हालांकि ये लड़के कौन थे और उन्होंने क्यों गोली मारकर हत्या की, ये बात तो अभी तक सामने नहीं आई है, पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही पूरे प्रयागराज में इंटरनेट सेवा भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों अतीक और अशरफ की सुरक्षा में लगे 17 पुलिस वालों को भी निलंबित कर दिया गया है। साथ ही खबर तो ये भी आ रही है कि पूरे यूपी में धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों हर जिले को हाई अलर्ट में रख दिया गया है, खास तौर पर प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि हर जगह पर कानून व्यवस्था बनी रहे। हर शहर पर पुलिस फोर्स तैनात है। हालांकि धारा 144 कब तक लगी रहेगी इस बात की तो कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है, पर दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है यूपी पुलिस में जो भी कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर छुट्टी पर थे, सभी की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। और दोस्तों इस तरह से यूपी के माफिया और बाहुबली सांसद अतीक अहमद का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।